Hi friend, my name is Vikas Chakravarti. In this session, I am going to tell you forfeiture of share. What is the forfeiture of share? If any shareholder of a company failed to pay the sum due on allotment or and on any cause, company may exercise its power to forfeit those share as per the term of the article of association, as per the requirement of rule laid down in table F of schedule 1st of company act 2013. यदि कोई कंपनी का कोई शेयर होल्डर हो रहा है जो फेल कर रहा है, यानी कंपनी ने जिसको शेयर अलॉट किया हुआ है, किसी एक शेयर होल्डर ने जो फेल कर रहा है, क्या अलॉटमेंट या कॉल के अमाउंट पे नहीं कर रहा है, तो कंपनी अपनी पावर का यूज करते हुए उस शेयर को फॉरफिटेड कर सकती है. और किसके टर्म के हिसाब से? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, रूल के हिसाब से, जो टेबल एफ और शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में दिया है. The company must give 14 days notice to the defaulting shareholder, require him to pay the unpaid amount on share together with accrued interest thereon. Company क्या करती है कि कितने दिन का notice के लिए कितने दिन देती है? 14 days के लिए notice देती है कि defaulting shareholder कौन? जिन्होंने share का पैसा payment नहीं किया allotment या calls में. Pay अनपेड अमाउंट शेयर टुगेदर विथ इंटरेस्ट, यानी जो भी accrued इंटरेस्ट होता है, यानी कॉल इन एरियस में जो विथ इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करने के लिए उसको टाइम देती है, बाय द स्पेसिफाइड डेट फॉलोइंग विच हिज, और एक स्पेसिफाइड डेट के हिसाब से कि उतने दिन के अंदर उसका पेमेंट करने के लिए. हिज शेयर आर लाइबल टू बी फॉरफिटेड, वो शेयर होल्डर को लाइबल होती है कि हिज शेयर वेयर लाइबल टू फॉरफिटेड. If the shareholder does not pay the sum due on specified date, अगर shareholder ने उस date तक में कोई amount payment नहीं किया, तब company क्या करती है? Company may forfeit his share by passing the resolution of the board of director. यानी company उसके share को forfeit कर लेती है किसके पास से? Board of directors के member की meeting से. On forfeiture, such share are cancelled, यानी उस share को forfeit करके क्या करती है company? उसको cancel कर देती है. किसमें से? उनके share holder के list में से. And the share capital reduced with the called up amount, और reduce करती है किससे? उसके called up amount से. And not with the nominal value of the share, जितना company called up कर रही है उतने share से उसके जो capital को create किया था उसी को उसको reduce कर देती है, ना कि पूरे shares के value से. The amount already paid by the shareholder is forfeited. जो shareholder ने amount paid किया था, company उसको क्या करती है? उसका amount को क्या करती है? Forfeit कर देती है. And not to return to him. और ना तो उसको और return नहीं करती. यानी किसी company shareholder ने अगर application दिया है, उसका allotment या first call नहीं दे रहा है, company ने उसकी क्या की? फॉरफिट कर ले रही है, यानी कैंसिल कर दे रही है उसको. और उसके शेयर जो उसने पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने पैसा पेमेंट किया था, उस अमाउंट को क्या कर रही है? कंपनी अपने पास रख रही है, रिटर्न नहीं करती है. हिज नेम रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर, यानी उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर, जो शेयर होल्डर के जो मेंबर के जितने होते हैं उनका जहां नाम रहता है उसमें से उसके शेयर के नाम, उस शेयर होल्डर का नाम काट दिया जाता. अब कंपनियां क्या करती है? अब इस ये तो कंपनी का प्रोसेस करती है, अब इसके लिए क्या जनरल एंट्री करती है, अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है फॉरफिटर ऑफ शेयर के लिए? उसमें पहला क्या होता है कि कंपनी दो टाइप के शेयर इशू कर सकती है, एक होता है एट पार पे और दूसरा होता है किस पे? एट प्रीमियम पे. जब कंपनी एट पार की कंडीशन में होती है, जो से जब कंपनी फॉरफिट करती है तब की कंडीशन में क्या जनरल एंट्री आती है देखते हैं. अब कंपनी के पास क्या है कि कंपनी की जो शेयर को फॉरफिट कर रही है वो अगर एट पार की है, यानी एट पार की कंडीशन में हो रही है, तो कंपनी के यहाँ पर जनरल एंट्री क्या क्या हो सकती है? तो कंपनी क्या क्या जनरल एंट्री कर सकती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. कंपनी शेयर को जितने की कॉल्ड अप अमाउंट होती है शेयर कैपिटल में कौन सी आती है? नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू ऑन शेयर, यानी कंपनी जितने शेयर को फॉरफिट कर रही है जितने को उस इनटू कॉल्ड अप अमाउंट. ओके, अब इसमें क्या होती है? यहां आता है टू फॉरफिटेड शेयर शेयर्स
फॉरफिटेड शेयर में क्या आती है कि कंपनी उस शेयर का अमाउंट में जितने अमाउंट मिली होगी कंपनी उसको क्या करती है फॉरफिट करती है जिसने जितना उसने पेमेंट किया है और उसके बाद फिर क्या आता है टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर कॉल के अब इसमें कौन सी अमाउंट आती है अब इसमें देखते हैं कि कंपनी शेयर कैपिटल में कौन सी अमाउंट करती है नंबर ऑफ शेयर इनटू कॉल्ड अप अमाउंट कौन सी जो कंपनी ने कॉल्ड अप वैल्यू कॉल की है अगर मानिए सपोज करते हैं एक एग्जांपल के साथ लेते हैं कि मानिए कंपनी का एक शेयर था 10 रुपए का था एक शेयर की प्राइस कितने की है 10 रुपीस की कंपनी ने सिर्फ 2 और 3 में लिया वन शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर होल्डर है जिसने एप्लीकेशन तो पे किया है हमेशा एक चीज ध्यान रखने की चीज है कि कभी भी अनपेड कॉल ये जो हमारी होती है अनपेड कॉल होती है इसमें कभी भी एप्लीकेशन नहीं आएगा क्योंकि जब तक कोई पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने कंपनी को अप्लाई नहीं करेगा यानी एप्लीकेशन की पेमेंट नहीं पे करेगा तब तक कंपनी उसको शेयर को इशू नहीं कर सकती है तो इसलिए यहां पे कभी भी किसी भी टाइम में कभी एप्लीकेशन नहीं आ सकता अलॉटमेंट कॉल आ सकती है अब उसने एप्लीकेशन तो दिया लेकिन उसने अलॉटमेंट नहीं दिया कॉल नहीं दिया अब कंपनी ने यहां तक मांगने के पहले यानी यहां तक एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल यानी यहां तक अगर देखा जाए तो कितनी कंपनी ने कॉल किया कॉल केवल 7 रुपीज तक कॉल किया यानी यहां पे जो कॉल अप अमाउंट आएगा इसके हिसाब से देखा जाए तो 100 × 7 यानी नंबर ऑफ शेयर कितना रहा 100 एंड कॉल अप अमाउंट कितनी है 7 रुपीज ओके अब यहां पे कौन सी अमाउंट यहां पे अलॉटमेंट में क्या आ सकती है इसकी कंडीशन अलॉटमेंट में क्या आएगा कि 100 × अलॉटमेंट कितने रुपीज का था यहां पे इनटू 3 दैट से अलॉटमेंट में आएगा कितने से आएगा यहां पे 3 रुपीज से 300 कॉल में यानी यहां पे अगर यहां पे कोई पर्टिकुलर कोई कॉल दिया हुआ है तो उस कॉल के बेसिस पे यहां पे क्या हो गया यहां पे तब यहां पे क्या हो गया फर्स्ट कॉल तो यहां पे फर्स्ट कॉल कितने रुपीज का है 100 × 2 अब यहां पे जब भी और से पेमेंट जो किया है जो पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने पेमेंट किया वो कहां पे आती है वो फॉरफिटेड में आती है तो फॉरफिटेड में कितनी आ जाएगी 100 × 2 जितना उसने पेमेंट किया है यानी कंपनी जब अपने आप एंट्री करती है तो जनरेट क्या करती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर कॉल कोई भी कॉल हो सकता है फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल अब इसमें क्या आती है नंबर ऑफ शेयर इनटू कॉल्ड अप अमाउंट क्या का मतलब क्या कॉल्ड अप वैल्यू तक यानी कंपनी का सिर्फ 10 रुपए का था लेकिन कंपनी ने कॉल कितना किया 7 रुपीस तक अगर 10 रुपीस तक पूरा कॉल करेगी तो यहां पे किस में आएगा 10 रुपीस उसने जिस कॉल का पेमेंट नहीं किया अगर सपोज कीजिए उसने अलॉटमेंट पे किया फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं किया तब कंडीशन अलॉटमेंट नहीं आएगा फर्स्ट कॉल आ जाएगी सेकेंड कॉल आ सकती है तो जो भी अनपेड कॉल होगा वो क्या आ गई जैसे अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल यानी कोई भी कॉल हो सकते हैं फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल थर्ड कॉल जहां तक भी हो अब जो भी पर्टिकुलर उसने पेमेंट किया है वो कहां पे आ गई फॉरफिटेड में ठीक एक तो इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं इन द केस ऑफ शेयर जब इशू होती है किस पे एट पार पे लेकिन अगर कई जगह पे हम गए इसके अलावा और क्या हो सकता है अगर कॉलिंग एरियस व्हेन द कॉलिंग एरियस अकाउंट इज मेंटेन बाय द कंपनी अगर कॉलिंग एरियस कंपनी मेंटेन कर रही है तो कॉलिंग एरियस account would be created to the above entity instead of share allotted allotment and share cause में यानी company अगर calling arrears maintain कर रही है account maintain कर रही है तब भी condition में company यहाँ पे से यानी इस जगह से जहाँ पे हम लोग allotment की बात कर रहे हैं तो यहाँ से ही इसको हटा के यहाँ पे क्या कर सकती है company calling arrears ठीक यानी company क्या कर सकती है यहाँ पे to calls in arrears अब calling arrears में कौन सी amount आएगी यानी इन दोनों की जो भी amount आ रही है दोनों के amount को add करने का जो amount आ गई वो कहां पे आ जाती है calling यानी उसके के लिए generate क्या हो गया share capital account debit to forfeited share to calling arrears यानी कंपनी जब भी शेयर क्यों कर रही है कि अगर कंपनी calling arrears के अकाउंट मेंटेन करती है तब भी कंडीशन में generate क्या हो जाएगी forfeited की कंडीशन में share capital account debit टू फॉरफिटेड शेयर और टू कॉलिंग एरियस
ये तो कंपनी क्या था, जब कंपनी शेयर इशू करती है किस पे, अगर एट पार की कंडीशन में, और जब कंपनी तब कंपनी जब फॉरफिट करती है तब गारंटी ये आती है। लेकिन दूसरी मैंने कहा कि एक कंपनी दो टाइप से शेयर इशू कर सकती है, एट पार एट प्रीमियम पे, तो एट पार की कंडीशन में फॉरफिट करी थी ये एंटी होगी, जब एट प्रीमियम की कंडीशन में होगा तब क्या गारंटी हो सकती है, तब देखते हैं एट प्रीमियम में। अगर एट प्रीमियम की कंडीशन हो रही है, ये तो एट पार की बात, अब देखते हैं कि प्रीमियम के बेसिस पे जब कंपनी क्या एंट्री करती है, जैसे हमने बताया कि एट पार की एंट्री थी, अब आप देखते हैं कि कैसे देख प्रीमियम में, प्रीमियम में दो कंडीशन हो सकती है, प्रीमियम की कंडीशन में दो कंडीशन क्या क्या हो सकती है। फर्स्ट क्या है, व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट हैज बीन रिसीव, अगर कंपनी को सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट अगर रिसीव होगी तब की कंडीशन में कंपनी जैसे एट पार में करती सेम वही एंट्री यहां पे भी यूज करती है, यानी अगर प्रीमियम की अमाउंट पेड है, अगर प्रीमियम की अमाउंट अनपेड होती है तब हम प्रीमियम का यूज करते हैं, लेकिन अगर प्रीमियम की अमाउंट अनपेड है तब की कंडीशन में जैसे एट पार में करते थे सेम वही एंट्री कहां पे होगी, एट प्रीमियम की कंडीशन में भी। तो यहां पे जो एंट्री आएगी वो क्या जाएगा, वहां पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर, टू फॉरफिटेड शेयर्स, ठीक। अब जो फॉरफिटेड शेयर आई और टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल्स, अगर कंपनी ने सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ कॉल किया हुआ है लेकिन पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने प्रीमियम की अमाउंट पेड कर चुका है, तब की कंडीशन में फॉरफिट में कभी भी प्रीमियम नहीं आएगी, वो सिंपल किसकी तरह हो जाता है, वो एट पार की तरह से। अगर इनकेस अगर प्रीमियम अनपेड हो रही है, अगर कंपनी ने कॉल किया हुआ लेकिन उसने प्रीमियम की अमाउंट पेड नहीं किया है, तब की कंडीशन में तब यहां पर चेंज आती है। अगर प्रीमियम के अमाउंट पेड है, फिर से एक बार फिर से बताता हूं, व्हेन द सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट हैज बीन रिसीव, अगर प्रीमियम के अमाउंट रिसीव होगी तब की कंडीशन जो जनरेटी होगा वो क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फॉर टू फॉरफिटेड शेयर, टू शेयर अलॉटमेंट, टू कॉल्स, यानी कैपिटल में क्या हो जाएगी, अमाउंट कॉल्ड अप लेस प्रीमियम, यानी प्रीमियम के अमाउंट को हटाने के बाद जो भी अमाउंट कॉल अप की होगी मल्टीप्लाई किया, शेयर अलॉटमेंट में जो उसने पेमेंट नहीं किया वो अमाउंट, कॉल में कौन सी जो उसने पेमेंट नहीं किया कॉल में, और फॉरफिट में हमेशा वो अमाउंट आती है जो पर्टिकुलर शेयर होल्डर उसको पेमेंट करता है। अगर इन केस व्हेन द सिक्योरिटी प्रीमियम हैज नॉट बीन पेड, जब सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट अगर अनपेड होती है तब की कंडीशन जो जनरेटी आएगी उसमें क्या चेंजिंग आएगी, यहाँ पे शेयर कैपिटल तो उसी तरह से रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड शेयर्स, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल या कॉल्स कहिए, फर्स्ट कॉल भी हो सकता है और सेकेंड फाइनल कॉल भी हो सकती है, ठीक। अब देखते हैं कि शेयर कैपिटल में हमेशा कौन सी अमाउंट आएगी, जो कॉल्ड अप अमाउंट होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में क्या आएगा, जितने प्रीमियम की अमाउंट आएगी, प्रीमियम अमाउंट कॉल्ड अप, जो कंपनी ने प्रीमियम की अमाउंट कॉल्ड अप किया था, अलॉटमेंट में कौन सी अमाउंट आ सकती है, जो उसने अलॉटमेंट में नहीं पेमेंट नहीं किया, और कॉल में क्या हो सकता है, कॉल में फर्स्ट कॉल भी हो सकता है और सेकंड कॉल भी, इसमें लिए से हम लोग करते हैं कॉल्स कर दिया जाए, ठीक। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट में हमेशा वो अमाउंट आएगी जो पर्टिकुलर शेयर होल्डर पेमेंट करती है। अब ये तो था कि कंपनी जब शेयर प्रॉफिट करती है तो उसके लिए कौन सी कंडीशन अप्लाई करती है और कौन कौन सी एंट्रियां होती है। अब इसके बाद हम लोग जब बात करेंगे वो प्रॉफिट शेयर रीइश्यू के लिए कंपनी क्या 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 कौन से प्रोसेस अप्लाई करती है और कंपनी किस टाइप से कितने टाइप से कंपनी को शेयर को रीइश्यू कर सकती है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट में सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।